दोस्तों, अगर आपको भी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानकारी मिली है और उसके बारे में आप पूरी जानकारी लेना चाहती हैं कि वो कैसे कैसे मिलेगा, कितना पैसा उसमें जाएगा, उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, कितना उसमें बैटरी मिलेगी, कितने पैनल मिलेंगे, उसकी फिटिंग किसके आधार पर होगी, आप करेंगे या वो करा के देंगे, तो जो जितने भी डाउट हैं आपके वो सारे इसमें वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम कितना पैसा देना है या फिर जो बाद में धनराशि जाएगी वो कितनी जाएगी, तो बहुत लोगों के डाउट चल रहे हैं और कमेंट्स भी हैं मेरे पास, और मेरे पास पर्सनल मैसेज भी है, कॉल भी है कि भाई ये योजना चल रही है इसके बारे में आपको कुछ बताओ। तो उसी के आधार पर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, तो सारी क्योरी को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो किस वाट के लिए कितना अमाउंट मिलेगा, तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। देखिए, इस स्कीम का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। निजी आवास में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉल सोलर पावर पॉइंट प्लांट, मतलब केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य अनुदान, अनुमानित संयंत्र लागत एवं अनुदान उपरांत उपभोक्ता का व्यय। आपको कितने किलोवाट के लिए कितना धनराशि आपको देना है, कितना सरकार की तरफ से छूट मिलेगी, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले नंबर पर लिखा है 1 KW, मतलब 1 किलोवाट में आपका जो केंद्र सरकार का जो अनुदान आपको मिलेगा वो 30,000 रुपये मिलेगा, और उसके बाद राज्य सरकार का जो अनुदान है वो मिलेगा 15,000 रुपये। इस प्रकार से दोनों राज्यों का जो, मतलब दोनों सरकारों का जो अनुदान मिलाकर के हो गया हमारा 45,000 रुपये। तो जो इस 1 किलोवाट के सोलर पैनल सिस्टम की जो लागत है या उसकी कीमत है वो है 65,000 रुपये। तो इसमें से आपको 20,000 रुपये देने हैं, बाकी 45,000 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और ऐसे ही 2 किलोवाट में, अभी वीडियो पे आप रहिए, मैं पूरा से बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको पेमेंट कैसे दे देना होगा या फिर आपको इस पर लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो समझ लेते हैं एक बार से। 2 किलोवाट केंद्र सरकार का जो अनुदान है वो 60,000 रुपये है, और राज्य सरकार का जो अनुदान है वो 30,000 रुपये है। दोनों सरकार का जो अनुदान हो गया वो 90,000 रुपये। जो इसकी 2 किलोवाट का जो पैनल है या उसका जो सिस्टम है उसकी जो कीमत है वो 1,30,000 रुपये है, और उपभोक्ता को मात्र 40,000 रुपये इसमें देना है। तो ये देखिए, इतना बड़ा डिस्काउंट यहाँ 2 किलोवाट में मिला है। उसी प्रकार से जो है 3 किलोवाट में 78,000 रुपये केंद्र सरकार का हो गया और ये राज्य सरकार का हो गया। टोटल जो अनुदान आपको मिलने वाला है वो 1,08,000 रुपये हो गया है, जिसकी जो लागत है पैनल सिस्टम की वो 1,80,000 रुपये, जिसमें आपको 72,000 रुपये पे करना है। उसी प्रकार से जो ये केंद्र सरकार का अनुदान है आप इसे समझ सकते हैं, ये राज्य सरकार का जो अनुदान है इसे समझ सकते हैं, कल अनुमान्य अनुदान समझ सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड रखते हैं वो 1-2 किलोवाट या 3 किलोवाट तक 72,000 या 1 लाख तक खरीद पाएंगे। बाकी गरीब लोगों के पास इतना धन नहीं होता कि एक बार में। अब बात कर लेते हैं पैसा देने का, देना कैसा होगा इसमें। देखिए, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है, इसमें मीटिंग हुई है हमारी, मीटिंग में उन्होंने इतना खुल करके नहीं बताया है कि कस्टमर को ये टोटल, जैसे इसकी जो अनुमानित लागत है 1 किलोवाट की 65,000 रुपये है, तो 65 का 65 एक साथ देना है, बाद में उसे जो है इंस्टॉलमेंट के रूप में वापिस मिलेगा, या फिर उसे 20,000 रुपये देना है। इस तरीके से अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। मीटिंग में केवल ये बताया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें सर्वे करो, और उन लोगों का सर्वे करना है जिनके छत जो है पक्की छत हो, सीमेंट वाली पक्की छत, या फिर अगर उसका कच्चा मकान भी है तो उसके पास इतनी जगह होनी चाहिए स्पेस, ताकि वो पैनल वहां पर लगा सके। उसके नाम बिजली कनेक्शन होना चाहिए जो कनेक्शन ले रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी के नाम बिजली कनेक्शन है, वो उनका स्वर्गवास हो चुका है या वो गुजर चुके हैं, तो उनके नाम के अनुसार, मतलब कनेक्शन के में डिटेल तो उनकी डलेगी, पर मोबाइल नंबर उस फैमिली मेंबर का डल जाएगा जो उस घर में रह रहा है या जो इस योजना के लिए इंटरेस्टेड है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी क्यूरी थी जो मैंने बताया, कुछ लोग सोच रहे हैं कि पापा के नाम पे है या उनके नाम पे, वो तो गुजर गए अब कैसे होगा, तो वो लोग इसमें आवेदन करा सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है, एक्टिव और चालू मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि उस पर वेरिफिकेशन होगा, कॉल आएगा। और ऐसे ही अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो आप इसे ऑनलाइन नहीं करा सकते, आपको मालिक होना चाहिए उस भूमि का। वैसे रेंटल का ऑप्शन इसमें आ रहा है, और अगर आपकी छत जो है आपने शेयर कर दिया किसी को तो उसका भी ऑप्शन इसमें आ रहा है। कहने का मतलब है कि इसमें जो माइंडेटरी है वो आपके पास पक्की छत होनी चाहिए, बिजली का कनेक्शन आपका होना चाहिए, तभी आप इसे ले पाएंगे, और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो अगर इसमें आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट्स करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।